तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नया मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिखा रहा है नए मोबाइल ऐप में। जी हाँ, जिनकी भी ये प्रॉब्लम आ रही है उस जल्दी से अपना स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पीएम किसान गोल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो सरकार ने अब नया लॉन्च किया है। इसमें नए फीचर जोड़े हैं। अब यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो जैसे आप पीएम किसान गोल सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर पहले से है तो इसे आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब नया अपडेट आ चुका है, नए फीचर इसमें आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँ, इस नए एप्लीकेशन में अभी नए बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर किसानों के डाटा में भी बदलाव हुए हैं, तो आपको पीएम किसान का स्टेटस इसमें ज़रूर चेक करना होगा, वरना हो सकता है कि आपकी कोई गलती है वो रह जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यह दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप पहले से अगर अपडेट करके रखे हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट पहले से अपडेट है तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद पहला पेज इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला, तो अगर आप नए किसान हैं तो इसमें आवेदन कर दीजिए ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से। अगर पहले से पैसा ले रहे हैं तो लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पहले से पैसा ले रहा हूँ तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिलता है आधार नंबर का। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अधिकारी भी काम करते हैं और किसान भी अपना स्टेटस चेक करते हैं। तो हम किसान हैं, हम यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं हैं, तो हम किसान यानी बेनिफिशियरी के तौर पर लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, स्टेट ऑफिशियल। तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन नहीं चुनना है, हमें सिर्फ बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन चुनना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में जो भी डाल दीजिए। यहाँ पर मैं किसान का आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद किसान की डाटा खुलकर आ जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, किसान को यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, डैशबोर्ड और लॉगआउट। लॉगआउट का मतलब है कि आपका फिर से आईडी लॉगआउट हो जाएगा। डैशबोर्ड का मतलब है कि आपकी डाटा खुलकर आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर लॉगआउट नहीं करना है, हमें तो डाटा चेक करनी है। तो डाटा चेक सभी किसानों को करना होगा, क्योंकि नया अपडेट आया है। इस नए अपडेट में बहुत सारे किसानों की डाटा अपडेट हुई है। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्टेटस में लैंड रिकॉर्ड, आधार, बैंक, ई के वाई सी सब कुछ सही है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल चेक कीजिएगा, डी ओ बी यानी डेट ऑफ बर्थ, ये जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो किसान की पहले थी वो नज़र नहीं आ रही है। मैंने एक आध किसान की और भी चेक किया है, आप भी अपने चेक कर लेना। सरकार का ये बड़ा लफड़ा है, यहाँ पर इस नाम से हो सके तो पैसे भी रोक सकती है सरकार, क्योंकि यहाँ पर बहुत से किसानों का डेट ऑफ बर्थ सही है, बहुत से किसानों का भी इस नए मोबाइल ऐप में गलत दिखा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, 22 जनवरी 2008 दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। किसान की ओरिजिनल है वो अलग है, फॉर्म डॉक्यूमेंट वाली अलग है। तो इस स्थिति में यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे इंस्टॉलमेंट स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, नए मोबाइल ऐप के अंदर कितना पैसा आपको मिला है, कौन सी आगे किस्त मिलने वाली है, वो आपको इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिखाई जाएंगे, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अब इंस्टॉलमेंट स्टेटस है वो सही है, लेकिन यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो सेक्शन है वो अपडेट हो चुका है। और बहुत से किसानों को ये प्रॉब्लम आ रही है, कल से मैसेज आ रहे हैं, जब से ये नया फीचर आया है, इसमें नया अपडेट आया है, तब से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है वो बदल चुका है, हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत दिखा रहा है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक दो किसान की प्रॉब्लम होती तो हो सकता है कि आपकी ये ओरिजिनल प्रॉब्लम हो, कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से डेट ऑफ बर्थ इस तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे किसानों की दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये एक टेक्निकल इशू है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सरकार आपका पैसा नहीं रोक सकती। अगर ये टेक्निकल इशू है या फिर कोई सरकार के अधिकारियों द्वारा ही कोई गलती हुई है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक आध किसान की होती तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन कल से मैसेज आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत से किसानों की डाटा में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है पूरा भी गलत दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।